पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के बाद एक बार फिर ग्रामीण को चिंता सताने लगी है और यही वजह है कि बिजनौर के मंडावर के दो दर्जन के आसपास गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। साथ ही जो गंगा कटान कर रही है उससे जो गन्ने की फसल है और धान की फसल है वो किसानों की तबाह होती जा रही है। और मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से दिखाएं कि किस तरह से जो गंगा का जल स्तर है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और साथ ही जो धान की फसल है और धान के साथ साथ जो गन्ने की फसल है वो गंगा में तबाह होती जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर से कि किस तरह से जो है गंगा अपना रोद रूप अपना रही है और लगातार जो किसान हैं वो परेशान हैं, उनकी जो सैकड़ों बीघा ज़मीन है वो गंगा में समा रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ग्रामीण मिर्ज़ापुर बेला के, जिनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ इनको क्या दिक्कतें आ रही हैं और प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। जी, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम कमल सिंह। कमल सिंह जी, बताएं क्या परेशानी हो रही है, कब से परेशानी? ये परेशानी जब जो साहब गंगा में बाढ़ आती है तो ये कटान लगता है, हमारी गन्ना धान की फसल सारी नष्ट होती है। और सिंचाई विभाग हमारा काम कर रहा है, अपना सिंचाई विभाग बल्ली पाइलिंग का काम कार्य चल रहा है। जो ऐसा स्टर्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे? जी हाँ, इस पानी के बहाव में तेज। हाँ, पानी के बहाव में तेज ये कटाई रोकते हैं सर। अभी कितनी उम्मीद है, कितने ग्रामीण ऐसे हैं जिनकी जो है कितनी फसलें तबाह हो गई? अजी लगा कर बल्ला वाली से सर रावली तक यही हाल रहता गंगा। कितने दर्जन गाँव होंगे? कम से कम 13-14 गाँव पड़ते हैं हमारे इसमें। कब से जो है पानी का बहाव तेज आ रहा है गंगा में? या तो ये तो जी अभी जब से बारिश पड़नी शुरू हुई है एक हफ्ता 15 दिन से ही पानी का तेज बहाव। तो कितने बीघा जमीन जो है फसलें चौपट हो गई, जमीन जो गंगा में तबाह हो गई? अजी ये इसका मानना हजारों एकड़ जंगल इस गंगा जी में चला गया। ये हैं किसान जिनका साफ तौर से कहना है कि हजारों एकड़ जो है इनकी गन्ने की लहलाती और धान की फसल जो है गंगा में तबाह हो गई। लेकिन हालांकि प्रशासन के अफसर ऐसा स्टर्स लगा करके जो है पानी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन नईम के साथ सरफराज खान, एबीपी गंगा, बिजनौर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।